हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के बारे में फुल जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट का बेनिफिट और यूज किस बीमारी में इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, और इस टैबलेट का डोज क्या है, और इस टैबलेट को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों ये सभी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडिसिन नॉलेज चैनल। तो दोस्तों, इस ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट का निर्माण लुपिन हेल्थ केयर कंपनी बनाती है, लेकिन यह बहुत बढ़िया और ब्रांड जानी मानी दवा है, और इस टैबलेट के MRP 41.55 रुपये है। कृपया ध्यान दीजिए, इसके प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और इसके एक पत्ते के टैबलेट में टोटल 10 टैबलेट दिए होते हैं। अब हम इस ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के कॉम्पोजिशन पर नज़र डालते हैं। तो इस टैबलेट का कॉम्पोजिशन है सेफाट्रॉक्सिल 250 mg है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के यूज के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट का यूज छोटे बच्चों में अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसका यूज छोटे बच्चों में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और साथ में यह टैबलेट गले में संक्रमण, कान में संक्रमण, पेशाब में संक्रमण, त्वचा में संक्रमण, तो दोस्तों ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और यह साथ में सॉफ्ट टिश्यू के संक्रमण के इलाज में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और यह टैबलेट बैक्टीरिया को काफ़ी तरह से किल करता है, और साथ में गले में खराश होना या टॉन्सिल बढ़ने की समस्या है तो उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और साथ में कान या नाक में फोड़े फुंसी होती है तो उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और साथ में किसी प्रकार से कहीं कट फिट गया है या कहीं जल गया है तो उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और साथ में त्वचा पर बाल तोड़ होने की समस्या है तो उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है, और यह बहुत हेल्पफुल टैबलेट है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि इस टैबलेट को देने से पहले मरीज का एज, बॉडी वेट और क्या समस्या है ये सब देखने के बाद ही दी जाती है। लेकिन भाइयों, इस टैबलेट को देने का तरीका बता देते हैं डॉक्टर द्वारा कैसे दी जाती है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को 6 ईयर से 12 ईयर्स तक के बच्चे को दिया जाता है, और इस टैबलेट को रोज़ाना एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जाती है, और इस टैबलेट को खाना खाने के बाद दी जाती है। लेकिन इस टैबलेट को खाली पेट न दें और ओवरडोज किसी को न दें, नहीं तो अचानक फ़ायदे के जगह पर नुकसान हो सकते हैं, या तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, हम सभी को पता है दवा के फ़ायदे के साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उसे हम जान लेते हैं वो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे त्वचा पर लाल चकते निकलना, पेट में दर्द होना, मतली या उल्टी होना, डायरिया या दस्त होना। तो दोस्तों, इस टैबलेट का यही साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार के कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, तो नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें जहां फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट जानलेवा हो सकती हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के यूज के बारे में, जो कि मुख्य रूप से छोटे बच्चों में संक्रमण से होने वाले समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने ओडोक्सिल 250 डीटी टैबलेट के यूज के बारे में जाना, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।